हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम एक सुपर सी माइंड ब्लोइंग सी नई मूवी के ट्रेलर का रिएक्शन ला रहे हैं ले आए हैं। मूवी का नाम है विद्या। विद्या मीन्स शिक्षा, पढ़ाई, ज्ञान, कुछ भी कह सकते हैं। और एक सुंदर लड़की, सुंदर लड़की भी तो है ही, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, है नाम अमरपाली दुबे का। अमरपाली दुबे, अभी मैंने इनकी एक क्लिप देखी थी, IPL में कमेंट्री कर रही थी, तो मुझे लगा कहीं ये मूवीज वगैरह से रिटायर होकर तो वहाँ नहीं आ गए, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है, जो मूवीज वगैरह नहीं आ रही होती जिनकी, वो लोग वहाँ एंट्री ले लेते हैं कमेंट्री में। भोजपुरी कमेंट्री आजकल बहुत फेमस हो रही है, मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं, सुनी हैं। अभी मैं भोजपुरी में IPL का मैच देख रहा था, स्टार्ट हो चुका था, तो वो इट वॉज माइंड ब्लोइंग, बहुत एन्जॉयबल है ये भोजपुरी लैंग्वेज। तो एक बार फिर से जो मूवी का हम ट्रेलर का रिएक्शन लेके आए, विद्या नाम है, और ये हमें सजेस्ट किया है अमन यादव, क्रिएटिव माइंड्स, MS ऑफिशियल भाई, सानवी 89, सुजीत कुमार द इंडियन भाभी, एंड विद्या सागर, विद्या राजराज एंड अनिशा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये वीडियो सजेस्ट करने के लिए, ट्रेलर सजेस्ट करने के लिए। आई होप ये बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है। नाम से लग रहा है कि बहुत सीरियस टॉपिक है विद्या, तो ये बहुत क्या बोलते हैं मोटिवेशनल टाइप होने वाला है, कि ज्ञान देने वाला है हमें, कुछ सिखाने वाली मूवी है ये। तो चलिए देखेंगे, एंजॉय करते हैं। अमरपाली दुबे की एक्टिंग के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, बेमिसाल है। तो चलिए देखते हैं इस मूवी में वो क्या रोल प्ले कर रही है, क्या सीन है क्या नहीं, गानों वाली मूवी है, रोमांटिक मूवी है, या सिर्फ और सिर्फ कुछ सिखा जाने वाली मूवी है। बहुत डिफरेंस होता है ना दोनों चीजों में। तो चलिए देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और चैनल कर लो सब्सक्राइब। अरे आग लगे जमाना के, अरे निर्वंश भैला से तो बेटी ठीक बाड़ी, बाकी वंश तो बेटा बढ़ाई नू। पापा हम पास हो गए नी। तू पास हो गए लो? ए राज बहादुर भैया, सबके चाय पियावा, हमार बेटी पास हो गए भैया। हाँ तो अब पढ़ाई लिखाई बहुत हो गए लो, अब विद्या के ब्याह खातिर लड़का दिखल शुरू कर दा। अरे हमरे बेटी का ब्याह यूं है यूं। कौन भैया लावस साखी, सोना हुला धनवा, अरे सोना हुला धनवा। कौन भैया लावस नवा रही आए साखी। आई हमरे बिटिया का फोटो बा, विद्या 10 में 92%, 12 में 94%, IBSC 96%, फर्स्ट क्लास। दहेज कितना देबो ई बतावो। देखी हम गरीब आदमी है, रिक्शा चलाए ना, जब औकात नहीं बते मर्दवा कहे आ गइलो। जाइए से बस दहेज के लेके थोड़ा ऊंच नीच हो गए। दहेज त असली काल बा, और पढ़ावा एसी बेसी। चला लड़का खोजा, लड़का खोजत खोजत चप्पल घिस जाला। हाँ हाय रे दहे जावा, बने जावा बनाई के, गरीबन के छतिया बिछुरिया चलाई के। तहरा जैसन लड़की के साथ अपना लड़का के शादी कराए। चल गली आज बिटिया रे, काहे भाला सिरावा के भार हो गईली आज बिटिया रे। का बात बजी, रवा की नींद नहीं खियावत? जौना बाप के कुवार लेखी हो, ओकरा नींद कैसे आई बतावा। राउर बेटी हमरा पसंद भी है, हमरा के तो राउर से यही कहे के बा, हमरा अंगना ले लेके राउर मंडप तक जे भी देखे ना वो खुश हो जाओ, हम यही चाहता। बस बारात लेके पहुंच जा। हाँ। सिया सुकुमारिया जो बना ली दुहिनिया, राम जी बना ले दुलावा, राम जी बना ले दुलावा। रुकिए गोपाल बाबू। हाँ? अरे हम ना जनली के इंसान इतना बड़का भिखारी होई। हमरा वजह से जे केहू भी रउआ की बेइज्जत कइले बा, हमके पढ़ौला के वजह से जे केहू भी रउआ के ही समझ ले बा, वो सब लोग के सामने रउआ फकर से कहो के हमार बेटी हमार शान हस। तहारी पढ़ाई के चक्कर में हमार बेटा के कफन भी नसीब ना होखे। बस एक बेर और भरोसा करी पापा।
हमके दुनिया का परवाह न तब रहे ना अब है तो के ऐसन काम करे के है ऐसन काम करे के है कि मिसाल बन जाए। तू अखियन के नींद भगा दो नहीं चेतना दिल में जगा दो जीवन के एक लक्ष्य बना के मंजिल ऊपर चढ़ा। तू लड़की हाउ लड़ा आगे पढ़ा तू लड़की हाउ लड़ा आगे पढ़ा इसकी परीक्षा में टॉप करने वाली बाबूजी। जिले के हर ब्लॉक में हर गांव में होने वाली हर एक शादी में लेन देन की पूरी लिस्ट मुझे शादी से पहले चाहिए। अगर किसी भी सामान को देखकर ऐसा लगा कि दहेज लिया या दिया जा रहा है तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई मैं करूंगी। दहेज कितना देवा का? क्योंकि दुल्हन दहेज है दुल्हन। हमने सुना है कि आप अपना पर्सनल फ्रस्ट्रेशन के चलते ये कार्रवाई कर रही हैं क्योंकि आपकी शादी भी मंडप में ही टूटी थी। अरे शादी तो बेटी की होती है लेकिन लोगों को सिर्फ इतना ही ख्याल रहता है की लड़की लेकर क्या आई है, दो चक्का या चार चक्का। अपने पिताजी का रोता हुआ चेहरा, उनके जूतों की घिसी हुई एड़ियां और उनके झुके हुए कंधों को देखकर तुम्हें ये पता चल जाता कि इस देश में एक बेटी के बाप का दर्द क्या होता है। हाय बेटा करत रले, लेकिन तू तो बेटी हो के भी बेटा से बढ़ के काम कर दे लो, तोरा के सलामी ठोके का मन करत। बचपन से आज ले हम जब भी पास बहनी तब रहुआ हमरा के रिक्शा में बैठा के घुमावी, लेकिन आज हम ना आज रहुआ पास बहल बानी बाबूजी। क्योंकि दुल्हन है दहेज है दुल्हन, एक रिक्शा वाला के आई इस बेटी दुल्हन है दहेज। माइंड ब्लोइंग यार, सच में कैसी लगा नेहा ट्रेलर? मेरे पास ना सीरियसली वर्ड्स नहीं है, मतलब मेरे ना मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। ऐसे तो मेरे पास भी है, मैं चाहूँ ना इस चार मिनट की वीडियो पे मैं एक घंटा बोल सकती हूँ, लेकिन भी ना इतना तो नहीं बोल सकती। इतना है कि भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में मेरे आंसू आ गए यार। मतलब लड़की ही सबसे बड़ी चीज होती है, दहेज नहीं मैटर करता। और दहेज है हाँ, और ना सच्ची मैं दिल से कह रही हूँ कि दहेज वालों को ना वाक्य में ही सजा होनी चाहिए, चाहे वो दे चाहे ले। जब देने दोनों को होगी ना तभी जाके बंद होएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही लेने, फिलहाल लेने वालों के लिए कानून है। हाँ, ठीक है, तो लोग झूठे भी आरोप लगा देते हैं। हाँ, लगा देते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। तो ये दोनों को होना चाहिए तब जाके ये क्राइम बंद होएगा, खत्म होएगा यार। मतलब दुनिया ने ना इस आड़ में मतलब अपना लालच निकालने का इतना अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। इतने लालची बंदे, मतलब दहेज के चक्कर में तुम भूखे मर गए हो यार। सही कराया लड़की ने, मतलब बहुत सही था। तो दोस्तों ये मूवी रियलिटी बता रहा हूँ, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, आप लोग बोलोगे बार बार बोल देता है, लेकिन ये रियलिटी है। ये मूवी भोजपुरी इंडस्ट्री को चेंज करने वाली है 1001% विदाउट फाइट विदाउट रोमांस। ये मूवी है जो चलेगी भोजपुरी इंडस्ट्री में, नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में हर मूवी में रोमांस फाइट के बिना आज तक कोई मूवी नहीं चली। हाँ। ये मूवी ऐसी है जो सिंगल हैंडेडली हैंडल कर ली है इस एक्ट्रेस ने। बिल्कुल, और पता है क्या, इस मूवी के बाद ना देखना कितनी लड़कियां मोटिवेट होंगी। लड़कियां तो पहले ऐसी मूवी तो पहले बन चुकी है, लड़कियां तो मोटिवेट ही हैं। नहीं फिर भी मतलब उनको ये होगा कि हाँ हम कुछ करें कुछ करें कुछ हाँ, करें कुछ कर, ऐसे बिल्कुल, ये हाँ। नहीं कि भी दहेज नहीं देना दहेज नहीं देना, इस वजह से कर नहीं, कुछ करके कि भी अगर हमारा पापा किसी चीज से परेशान हो रहा है तो हमें साथ खड़ा होके साथ निभाना है। हाँ बिल्कुल, इस चीज में बिल्कुल सही कह रही है। और दोस्तों इस मूवी से ये जरूर पता है मेरे को, भोजपुरी इंडस्ट्री जरूर प्रेरित होने वाली है कि भैया रोमांस और कुछ वल्गर डालने से या गाने डालने से या फाइट दिखाने से ही मूवी नहीं चलती, या किसी हीरो से ही मूवी नहीं चलती अगर स्क्रिप्ट अच्छी। अमरपाली दुबे ने सिंगल हैंडेडली इस मूवी को सुपर डुपर मूवी बना दिया है। बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, इस मूवी को देखने जाना 1001%। ये मूवी हिला देने वाली मूवी है, सुपर माइंड ब्लोइंग है।
ट्रेलर इतना बड़ा दे दिया कि सारी मूवी तो लग रहा ट्रेलर में ही दिखा दी है, दिखा दी है। हाँ ठीक है, ये थोड़ा गलत हो जाता है, ट्रेलर थोड़ा छोटा ही देना चाहिए, एक दो मिनट का होता ना तो थोड़ा और ज्यादा हो जाता ना कि ओ देखनी है। इसमें मतलब क्या सस्पेंस बिल्कुल खत्म कर दिया, सब कुछ बता दिया स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या हो गया। लेकिन स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मतलब ये ऐसी चीज, ये ऐसी वीडियो की आप जितनी बार देखोगे ना उतनी बार और देखने का मन करेगा, मतलब मन नहीं भरेगा। ये ऐसी मूवी है दोस्तों, फैमिली मूवी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया कोई भी कहीं भी देख सकता है। इसमें आपको 1% कुछ मतलब रोमांस तो है ही नहीं, ये वो फैमिली मूवी एक तो होती है जिसमें प्यार मोहब्बत भी चलता है, वो भी फैमिली मूवी होती है। लेकिन ये मूवी वो फैमिली मूवी है जिसमें मोटिवेशन है कि माँ बाप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, अपनी बेटी को दिखा सकते हैं स्पेशली कि भाई देखो क्या कर दिया इस बेटी ने। इट इज अ माइंड ब्लोइंग मूवी, हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सबका अपने वीडियो में सजेस्ट की, वी लव्ड इट, सच में वी लव्ड इट, क्यों नहीं। तो दोस्तों आपको ये ट्रेलर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, हमारे साथ देखना कैसा लगा कमेंट करके बताना। म्यूजिक में थोड़ी बहुत ही फेरबदल हो सकती है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी भोजपुरी वीडियोज के लिए, और हिंदी भी लाते हैं हम, तेलुगु भी लाते हैं, तमिल भी लाते हैं, सबके लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और भोजपुरी इंडस्ट्री रॉक्स मैन, बहुत अच्छे तरक्की कर रही है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, डेली चौंका रही है हिंदुस्तान को कुछ ना कुछ भयंकर देके, अच्छा देके, नया देके, तो वी लव्ड इट। तो गाइज वी नीड योर सपोर्ट, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, फटाफट चैनल कर लो सब्सक्राइब, चैनल को आगे बढ़ाओ और हमारा साथ दो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।